आप सबका स्वागत है स्टडी हाई पर, और हम आपके लिए आज टॉपिक लाए हैं रैनसमवेयर, जो ग्लोबली बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है प्रेजेंटली, और यूनाइटेड किंगडम को तो बहुत ही बुरी तरह जिसने अफेक्ट किया है। तो बिटकॉइन, विंडोज़ एक्सपी और भारत का क्या रिलेशन है और कैसे अफेक्ट करेगा ये भारत को, चलिए हम देखते हैं। स्वागत है आप सबका। तो आपके लिए रैनसमवेयर, सबसे पहली बात है रैनसमवेयर एक चीज़ है कि रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर, ऐसा वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करके आपकी सारी फाइल, सारी वीडियो, सारी एप्लीकेशंस को हैक कर लेगा, और हैक करने के बाद वो आपसे एनक्रिप्टेड एक इंफॉर्मेशन देगा, और उसमें वो मैसेज में कहेगा कि जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका सारा डाटा इंक्रिप्ट हो चुका है, और अगर आपको ये डाटा वापस चाहिए तो आपको इस खाते पे तकरीबन $300 से लेकर $600 तक जमा कराने होंगे, लेकिन वो करवाने होंगे बिटकॉइन की फॉर्म में। अब ये बिटकॉइन क्या होता है? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो डिजिटली यूज़ की जाती है कंट्रीज़ के द्वारा। तो डिजिटल करेंसी जो ये है, इसका फ़ायदा हैकर्स को ये है कि उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हम डॉलर जमा कराते हैं, चेक जमा कराते हैं, रुपीज़ जमा कराते हैं, तो एक एंड होता है जहाँ पे हमें पता लगता है किस खाते में गए, लेकिन बिटकॉइन के साथ इशू ये है कि हम ट्रेस नहीं कर सकते, और यही का फ़ायदा हैकर्स ने इस बार उठाया है। तो बिटकॉइन के रूप में वो लोगों से पैसे ले रहे हैं और ये वायरस को काफ़ी ज़्यादा फैला रहे हैं, और यूके में तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किया है, और साथ ही में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ अफेक्ट होना शुरू है। पोर्टुगल है, स्पेन है, लैटिन अमेरिका की बहुत कंट्रीज़ में इसका अफेक्ट देखना शुरू हो गया है। और मेनली क्या वजह है कि किस वजह से, क्योंकि जो विंडोज़ एक्सपी है हमारा, विंडोज़ एक्सपी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, विंडोज़ एक्सपी मैक्सिमम जगह विंडोज़ एक्सपी यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे ये वायरस ने सबसे ज़्यादा असर दिखाया है वो ऐसे सिस्टम है जहाँ विंडोज़ एक्सपी है, और विंडोज़ एक्सपी ही क्योंकि कंपेटिबल है, उसी तरह डिज़ाइन किया गया है वायरस। भारत पे ये क्या असर डालेगा, क्योंकि भारत में मैक्सिमम एटीएम जो है वो विंडोज़ एक्सपी ही इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से आरबीआई ने ये सर्कुलर जारी किया है बैंकों को, क्योंकि वो इस चीज़ पे नज़र रखें, और कई बैंकों ने एहतियात उठाते हुए अपने एटीएम्स को बंद करना ही समझदारी समझा है। इसलिए जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक शायद बैंक एटीएम बंद रहेंगे, और यही एक वजह है इस वजह से कि कई सारे बैंकों ने अपने एटीएम को क्लोज कर दिया है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस वायरस से बचने के लिए? सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे एंटीवायरस को अपडेट करें। दूसरा, कोई भी स्पैम मेल आ रही है उसको ना खोलें, और एक्सटेंशन फाइल्स को बिल्कुल भी ना खोलें जो पॉपअप होती हैं स्क्रीन में, प्लीज़ नहीं किया आप इतने मैसेजेज पे, इसी से आप बच सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को स्टूडेंट्स अपनी ऐसे राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा सकता है। और आज वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।